ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें सारी चीजें हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को माइंड में रखते हुए डिजाइन कर रहे हो। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिए, इमेजिन अ पर्सनल एड्रेस बुक विद सम डेटा स्टोर्ड अबाउट योर फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पर्सनल एड्रेस बुक, नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर, लिस्ट थ्री थिंग्स दैट यू मे डू टू दिस एड्रेस बुक। यहाँ पे ये तीन एट्रीब्यूट्स हैं जो किसी भी एड्रेस बुक पे जब हम काम कर रहे हैं जो मैंडेटरी होनी चाहिए, पर्सन का नेम, उसका एड्रेस और उसका टेलीफोन नंबर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई समवन एल्स हु मे यूज एन आइडेंटिकल एड्रेस बुक फॉर सम पर्पस अदर देन स्टोरिंग अ लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स। अब वो कह रहे हैं कि अब आप बताएं कि इसमें क्या फर्दर चीजें ऐड हो सकती हैं, मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये केस स्टडी सॉर्ट इन्होंने यहाँ पे बना के इसको एक्सप्लेन किया। With an address book, we should want to be able to perform following actions. Address book पे आप कौन-कौन से actions perform कर सकते हैं? वो सारी चीजें जो actions होंगे, जो functions होंगे, वो क्या होंगे? Methods होंगे। Find out details of a friend. जो आपने entry की है उसमें से कोई details find out करनी है किसी भी एक particular friend की, किसी का telephone number identify find out करना है। Add an address to the address, कोई नया address add करना है book में, या फिर कोई एड्रेस डिलीट करना है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे इसके क्लास के मेथड हो जाएंगे। सो क्लास नेम क्या होगा मेरे पास, क्लास नेम वुड बी एड्रेस बुक। एट्रीब्यूट क्या हो जाएंगे उसके, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर। और एट्रीब्यूट हम किस तरीके से डिजाइन करेंगे, अगर मैं आपको इस क्लास को एक नोटपैड फाइल पे बना के दिखा दूं, ठीक है, तो ये हम इसको किस तरीके से डिजाइन करेंगे। क्लास, लेट्स से हम कह रहे हैं क्लास है हमारे पास एड्रेस बुक। ठीक है, ये मेरे पास क्लास की बॉडी हो गई। ठीक है, इस क्लास की बॉडी के अंदर हमारे पास दो चीजें आएंगी। फर्स्ट वन जो है वो एट्रीब्यूट होंगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे होंगे क्लास के, और सेकंड वन क्या हो गए, मेथड, कि इस क्लास में क्या क्या काम हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो एट्रीब्यूट्स के लिए हमने क्या देखा था, एट्रीब्यूट्स में हमारे पास क्या क्या चीजें थी, स्ट्रिंग, नेम, बिल्कुल वैसी वेरिएबल की डिक्लेरेशन जैसे हम आज तक करते आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रिंग, एड्रेस, एड्रेस की डेटा टाइप भी स्ट्रिंग होगी इसलिए हमने इसको एड्रेस, और फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्ट्रिंग, आप चाहें तो लॉन्ग भी रख सकते हैं फोन नंबर के लिए, लॉन्ग फोन नंबर। ये तीनों एट्रीब्यूट हो गए। अब टास्क क्या क्या हो सकते हैं इसके, टास्क जो होंगे जो ये इस क्लास में हो सकते हैं, दैट वुड बी इट्स मेथड्स और फंक्शंस। तो हम अगर मेथड की बात करें तो पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, एड रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड एड करना है हमने, एक ये मेरे पास एक मेथड ये हो गया। ठीक है, सेकेंड मेथड हमारे पास क्या होगा, सेकेंड मेथड मेरे पास हो जाएगा, शेयरिंग हो रही है नोटपैड की फाइल क्लास, ठीक है। सेकेंड हमारे पास मेथड क्या बन जाएगा, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, डिलीट रिकॉर्ड। ठीक है, और यहाँ पे सारी इस मेथड की बॉडी की कैसे डिलीट रिकॉर्ड करना है। फर्दर फिर मैंने क्या करना है, फाइंड करना है कोई रिकॉर्ड, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसको हम कर देते हैं फाइंड रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये मैंने एक क्लास डिजाइन कर दी, और इस क्लास में मेरे पास क्या है, फर्स्ट वन इज एट्रीब्यूट एंड सेकेंड वन आर, ये सारी चीजें मेरे पास क्या है, ये मेथड्स है। अब इन्हीं एट्रीब्यूट को यूज करते हुए हम इस पे फर्दर काम कर सकते हैं। सो दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये मैंने क्या किया, एक क्लास बना दी एड्रेस बुक की जिसमें एट्रीब्यूट्स और मेथड दे दिए। अब होगा क्या कि जब मुझे इस क्लास को एक्सेस करना होगा, इस एट्रीब्यूट को या इन मेथड्स को, तो अब मैं एक्सेस कैसे करूंगी, ये एक जनरल क्लास है, जनरल क्लास मीन्स रीयूजेबिलिटी। अब इसको मैं भी यूज कर सकती हूँ, आप भी यूज कर सकते हैं, जिस जिस पर्सन को भी इस क्लास की जरूरत होगी वो क्या करेगा, वो सिंपल क्या करेगा, वो इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा इस क्लास का, और ऑब्जेक्ट बनाने के साथ इन एट्रीब्यूट्स और इन सब मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे इन्होंने यही चीज बताने की कोशिश की है कि हमारे पास तीन मेथड्स होंगे. वी कैन क्रिएट अ सिंपल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट टू स्टोर दिस डेटा इन द एड्रेस बुक. क्या क्या चीजें होंगी? लिस्ट ऑफ नेम्स, ऑपरेशंस. ठीक है, नेम्स क्या क्या चीजें होंगी आपके पास, फील्ड्स कौन कौन सी हैं, ऑपरेशंस कौन से हैं, और क्या क्या काम हो हम उन एड्रेस बुक पे कर सकते हैं, लाइक एड एड्रेस, फाइंड टेलीफोन नंबर, एटसेट्रा एटसेट्रा. बाय क्रिएटिंग अ सिंपल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट टू स्टोर एंड मैनेज एड्रेसेस ऑफ फ्रेंड, वी कैन रीयूज दिस इन अनदर सॉफ्टवेयर सिस्टम. That could be library management system as well, business manager to store and find details of customer. अब यही जो हमने data use किया है, यही जो class बनाई है, इसी को utilize करते हुए हम इसी को use कर सकते हैं. कोई एक business manager भी इस class को utilize करते हुए अपने clients का record इसमें store कर सकता है. ठीक है, अगर library management के लिए करना है तो यही चीज को throughout हम follow करेंगे. तो that would be reusable component. Means एक चीज हमने करने का तरीका पता चल गया, इसी को यूटिलाइज करते हैं हम और चीजें यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं. अगर हम सेम ही क्लास में बनाएंगे मेन मेथड तो पब्लिक की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम अलग क्लास से इसको कॉल करवाएंगे तो फिर पब्लिक लगाएंगे हम, और अगर विद इन अ क्लास हम उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो फिर पब्लिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेम क्लास से तो डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा. ओके, व्हाट इज .NET फ्रेमवर्क? .NET फ्रेमवर्क क्या है हमारे पास? .NET फ्रेमवर्क इज अ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म. लैंग्वेज इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म मीन्स आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस की सपोर्ट है एंड इट्स अप टू यू कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज करना चाह रहे हैं. आपके पास टोटली इंडिपेंडेंस है. Language independent platform for creating platform independent software. Platform independent software means आपने एक दफा किसी भी language को use करते हैं software design कर लिया, वो software किसी भी platform पे run हो सकता है, either desktop पे, mobile पे, किसी के system पे भी use हो सकता है. It was designed and maintained by Microsoft Corporation. Microsoft Corporation की product है आपके पास .NET framework. Language independent means code can be executed written in any language. Language independence का मतलब है कि आप कोड को विजुअल बेसिक, सी शार्प, जो प्रोवाइडेड लैंग्वेजेस इन .NET की उनमें से किसी भी लैंग्वेज पे यूज करके वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं. व्हाट इज .NET फ्रेमवर्क? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मींस दैट एन एप्लीकेशन जो आपने डिजाइन किया है .NET फ्रेमवर्क को यूटिलाइज करते हुए, जो आपने एप्लीकेशन बनाई है, कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी मशीन. जो आपकी एंड प्रोडक्ट है, जो वर्किंग प्रोडक्ट है, वो किसी भी मशीन पे रन हो सकती है विदाउट बीइंग कंसर्न्ड विद इश्यूज लाइक व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द मशीन. ठीक है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उस मशीन में इंस्टॉल है, सबकी ये जो है कंसर्न इज नॉट इम्पॉर्टेंट. वो एप्लीकेशन किसी भी मशीन पे, उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो, उस पर रन हो सकती है. Platform independence refers in particular to the ability of the application to run on any machine having any operating system installed on it. Platform independent means जो आपका end result है वो software किसी भी machine पे run हो सकता है, उस पर कोई भी software, कोई भी operating system install हुआ हो. अब यही चीज जो हमने start में देखी थी उसको यहाँ पे एक दफा फिर से go through करेंगे. Managed code execution process. Managed code execution process क्या होगा हमारे पास? सबसे पहले source code आपने लिखा किसी भी language में. Any language written code of .NET framework. .NET framework की किसी भी language में आपने code लिखा, उस code का उस language का compiler जो language specific होगा, means native compiler. हर language का अपना specific compiler होगा. अगर आपने C sharp पे code लिखा है तो C sharp का अपना compiler आपके उस code को MSIL में transform करेगा. अगर आपने Visual Basic पे code लिखा है तो Visual Basic का अपना compiler होगा जो आपके source code को MSIL में transform कर देगा. Means MSIL for Microsoft Intermediate Language, जो कि ना तो कम्प्लीटली ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होगी और ना ही कम्प्लीटली मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होगी. ये बेसिकली आपके पास वर्क कर रहे होते हैं लाइक अ ब्रिज. लैंग्वेज इंडिपेंडेंट विद इन .NET फ्रेमवर्क. अब यहाँ पे MSIL कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में ट्रांसफॉर्म करेगा आपका जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जो कि CLR होगा. CLR का जस्ट इन टाइम कंपाइलर आपके MSIL को एग्जीक्यूटेबल कोड में ट्रांसफॉर्म करेगा, जो अकॉर्डिंग टू दैट CPU उस मशीन के अकॉर्डिंग होगा जिस CPU पे आपने उसको रन किया है. ठीक है, और फिर वो रन होने के बाद आपके पास उसका आउटपुट जनरेट हो जाएगा.
ठीक है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर एंड सीएलआर किस तरीके से काम कर रहे होंगे? द जस्ट इन टाइम कंपाइलर जिट कंपाइलर इज पार्ट ऑफ अ सीएलआर। जिट कंपाइलर क्या है? सीएलआर का पार्ट है, ठीक है। द सीएलआर मैनेजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द डॉट नेट एप्लीकेशन। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सीएलआर ओवरऑल कोड की एग्जीक्यूशन को मैनेज कर रहा होगा। इन एडिशन टू जस्ट कंपाइलेशन, सीएलआर आपके जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन के साथ साथ क्या कर रहा होगा? गार्बेज कलेक्शन भी कर रहा होगा, जो आपके पास मेमोरी में ऐसे डेटा जो स्टोर होगा जो आप फर्दर यूज नहीं हो सकता उसको मेमोरी से रिमूव करेगा। टाइप सेफ्टी मीन्स ये कि आपके पास पहले से ही इनकम्पेटेबल टाइप्स में डेटा स्टोर नहीं करेगा। इंटीजर डेटा टाइप है, हर वेरिएबल से रिलेटेड उसकी डेटा टाइप पहले से डिफाइन है और रेंजेस डिफाइन है कि इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है। एंड ऑल्सो फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग, अगर एक्सेप्शन क्या होती है, जो रन टाइम पे एरर्स आते हैं, लेट से डिविजन बाय जीरो या एरे का इंडेक्स आपने आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन है, रन टाइम फाइल नॉट फाउंड, तो ये सारे एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कौन कर रहा होता है? आपकी सीएलआर। ठीक है, इसको हम दोबारा देख लेते हैं। सी शार्प कोड, विजुअल बेसिक कोड, किसी भी लैंग्वेज में आपने कोड किया है उस कोड का, हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होगा जो उस कोड को आईएल में इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर देगा। क्रिएटिंग डॉट नेट सॉफ्टवेयर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, ये क्या है? लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, किसी भी लैंग्वेज में कोड करें उस लैंग्वेज का अपना कंपाइलर है जो कि उसको आईएल में ट्रांसफॉर्म कर देगा इंटरमीडिएट लैंग्वेज में। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज का कोड है। इंटरमीडिएट लैंग्वेज का कोड अगर आपने सीएलआर ऑन विंडोज, अगर आपके पास विंडोज पे सीएलआर है, वो विंडोज कहाँ चला, वो उसको मशीन विंडोज के मशीन कोड में ट्रांसफॉर्म कर देगा। अगर आपने उस आईएल को सीएलआर ऑन मोबाइल प्लेटफॉर्म पे रन किया है, तो वो अकॉर्डिंग टू मोबाइल मशीन कोड को ट्रांसफॉर्म कर देगा। दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। यही मैंने आपको कहा था कि जो आईएल है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड है, उस इंटरमीडिएट कोड को आप किसी भी मशीन जिसमें सीएलआर इंस्टॉल है उस पर आप रन कर सकते हैं, वो उसको अकॉर्डिंग टू दैट मशीन ट्रांसफॉर्म करेगा। हाँ, लेकिन जो ये वाला कोड है विंडोज मशीन कोड, इसको उठा के अगर आप यहाँ पे चलाएंगे तो वो यहाँ पे एरर देगा। जो आईएल कोड है, आईएल कोड किसी भी मशीन पे रन हो जाएगा जिसमें सीएलआर इंस्टॉल है, लेकिन जो नेटिव कोड है, जो मशीन कोड है, वो तो जाहिर है मशीन कोड तो मशीन के रिस्पेक्ट से ही होगा ना, वो अपडेट नहीं हो सकता, वो किसी और मशीन पे नहीं चलेगा। मैनेज कोड को अनमैनेज कोड में हम ट्रांसफॉर्म ही क्यों करेंगे? मैनेज कोड तो वो कोड है जो डॉट नेट के अपना कोड है, तो उसको आप अनमैनेज कोड कैसे करोगे? वो तो मैनेज कोड का मतलब ये है वो कोड जो सीएलआर पे रन हो सके, और वो वही कोड होगा जो डॉट नेट के फ्रेमवर्क में जो लैंग्वेजेस हैं उन लैंग्वेजेस पे आपने जो भी कोड किया होगा वो सब मैनेज कोड होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेजेस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, जो कि हर लैंग्वेज के लिए एक स्टैंडर्ड बना रहा है जो हर लैंग्वेज को फॉलो करना जरूरी है। उसके बाद हमारे पास बेस क्लास लाइब्रेरी, जिसमें हर क्लासेस और उनके मेथड्स पहले से डिफाइन है, यू कैन यूज इट, दैट इज जस्ट फॉर रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबल कंपोनेंट्स। एंड सबसे आपके पास जो लोअर पे लेयर होगी दैट वुड बी सीएलआर, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। डॉट नेट की लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं हमारे पास? विजुअल बेसिक है, सी शार्प है, सी प्लस प्लस है, सी एल आई वर्जन, जे शार्प है, ए शार्प है, एल शार्प है, आयरन रूबी, ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो डॉट नेट का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी क्रिएटेड विद डॉट नेट फ्रेमवर्क, डॉट नेट फ्रेमवर्क से आप डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं जो बैक एंड पे हो सकती है, ड्रॉपबॉक्स बैक एंड, स्काइप बैक एंड, व्हाट्सएप बैक एंड, वेब बेस्ड एप्लीकेशन लाइक फेसबुक, यूट्यूब, ड्रॉपबॉक्स, और डेस्कटॉप एप्लीकेशन लाइक वर्ड, एक्सेल, ड्रॉपबॉक्स, डेस्कटॉप। डॉट नेट आईडीज, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मीन्स ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपका कोड रन भी होगा, जिसमें आपका कोड वहीं आप कोड करोगे, वहीं कंपाइल होगा, वहीं रन होगा, आउटपुट भी वहीं शो होगा। Microsoft provides a comprehensive integrated development environment for the development and testing of software with .NET
some IDs. IDs आपके पास कौन कौन सी है? विजुअल स्टूडियो, विजुअल वेब डेवलपर, विजुअल बेसिक एंड विजुअल सी शार्प. VS and .NET framework, ये आपके पास ये सारी चीजें किसके अंदर आ रही है? विजुअल स्टूडियो के अंदर. तो अगर आपने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया है तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली, ये जो लेयर्ड है ये विजुअल स्टूडियो के अंदर ही लेयर वाइज ब्रेकिंग हुई हुई है. चले, एक असाइनमेंट भी आ गया. असाइनमेंट नहीं, एक सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है. इसमें आपने क्या करना है, लिस्ट डाउन ऑल द वर्जन्स ऑफ .NET फ्रेमवर्क टिल डेट अलोंग विद ऑल द डिटेल्स. लिस्ट डाउन ऑल द वर्जन्स ऑफ सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टिल डेट अलोंग विद ऑल द डिटेल्स. ये सारा काम जो है ये आपने करना है कि .NET जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, जितने भी वर्जन अब तक आ चुके हैं, वो सारे वर्जन्स का जो है आपने लिस्ट डाउन करना है और उनकी सम हाउ डिटेल्स. ठीक है, वन लाइन सिंगल लाइन इंफॉर्मेशन जस्ट. अच्छा, मुझे अटेंडेंस सेंड कर दें चैट पे विद स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट आईडी. ओके, सबने अटेंडेंस मार्क कर दिए. ठीक है. अच्छा, दो सीआर चाहिए, एक तो हसनात है, हसनात पीएफ के सीआर थे तो अभी ऊफ में भी वही होंगे, और एक और कोई स्टूडेंट अगर वॉलंटियरली कोई बनना चाह रहा है तो वो अपना नाम बता दे वरना मैं साइन कर दूंगी. ये जो असाइनमेंट है ये बेसिकली प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप करके अपने पास रख लें, फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी जो कि हमारी वेडनेसडे को होगी उसमें शेयर कर लीजिएगा. ठीक है, एक हसनाद है और एक जो है साकिब आबंज है, मोहम्मद साकिब खान. ठीक है, बट मुझे एक्टिव जो है वो चाहिए सीआर जो थ्रू आउट एक्टिव रहे और जो भी स्टेटमेंट हो वो फौरन फौरन कम्युनिकेट कर सके. ठीक है, तो एक ग्रुप बना लें ऊप की क्लास का, हसनात आप और सबको ऐड कर लें क्लास में, हसनात और साकिब. एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लें और उसके अलावा जो लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स और ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं ये मैं अपलोड कर दूंगी यूट्यूब चैनल पे, जो कि आई गेस आप लोग पहले से सब्सक्राइब होंगे. एंड देन फिर आपके पास सारे लेक्चर मैं वहाँ अपलोड कर दूंगी और उनके लिंक जो है वो LMS पे भी शेयर कर दूंगी, और LMS पे ये सारे पावर पॉइंट जो लेक्चर्स हैं ये भी वहाँ पे ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ. ठीक है, तो ये लेक्चर हमारे पास एंड हो गया, हम एक ब्रेक ले लेते हैं 20 to 25 मिनट्स का. ठीक है, 20 to 25 मिनट्स के ब्रेक के बाद हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, 1:46 हो रहे हैं मेरे पास, तो हम स्टार्ट करते हैं 2:10 पे, 2:10 मिनट पे हम दोबारा ज्वाइन करते हैं. क्लियर है यहाँ तक? आ जाइएगा सब, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे.